कॉलेज लगता है 1899 का है, बताओ गाइस 1899 का बिल्ड कॉलेज है। और ये देखो मेरा प्यारा प्यारा सा कॉलेज, और ये ताश की पत्ती। गरीबा का मौसम का कोई गारंटी नहीं, कभी भी धूप बारिश कभी भी हो सकता है। देख हमारे सुंदर सुंदर सर। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिया यादव व्लॉग्स विद बोलो फिर नहीं जा रहा। अभी सो के उठे गाइस, चेहरे देख के साफ साफ पता चल रहा होगा। तो अभी हमको जाना है, व्लॉग में देखो आगे आगे कहाँ कहाँ जाना है आज। तो भी जाते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते। बिल्कुल मन नहीं कर रहा कॉलेज जाने का। ओह शिट, बता दिए कॉलेज जाना है, जाते हैं। तो आई एम रेडी गाइस, फुल कॉलेज वाले ड्रेस में, और आज तो वॉच भी पहने पहली बार जिंदगी में। नहीं, मतलब इस साल में पहली बार। तो जाते हैं कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का टाइम तो मेरे घर में ही बीत जाता है, बस 9 बजने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। तो चलते हैं, देखते हैं घर में कोई छोड़ छूड़ दे हमको कॉलेज, नहीं तो टोटो से जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गाइस। और हमको मिल चुके हैं मामा, तो हमको छोड़ देंगे, इधर से आ ही रहे। सबको ब्लॉग में लाएंगे गाइस, पूरे खानदान को। चलते हैं, और जब हम पहने वॉच, पर फिर भी टाइम का कोई कदर नहीं है, लेट हो ही रहे। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. क्लास हो चुका है हम लोग का, जूलॉजी डिपार्टमेंट। मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत कोई कमेंट करता है तो हाँ बता देते। और अभी IRC सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का क्लास करने के लिए जा रहे हैं, जिसका डिपार्टमेंट पता नहीं है, अभी खोजेंगे। आज फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का। और देखिए मेरे साथ ये दो सुंदर सुंदर IRC सेलेक्ट भी नहीं किए, बस पढ़ने जा रहे हैं। कितने अच्छे आदर्श बालिका है। और ये देखो मेरा प्यारा प्यारा सा कॉलेज, और ये ताश के पत्तों की तरह बैठने के लिए बना है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कोई पसंद करते हैं कि हम कॉलेज का कुछ कुछ दिखाएं, तो देख लो गाइस आज दिखा रहे हैं। देखिए गाइस, पुराने ज़माने का महलों वाला सीढ़ी है हमारे कॉलेज में, जो कि हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पहली बार आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, चलो चलो ना इधर से स्वीटी। कॉलेज लगता है 1899 का है, बताओ गाइस 1899 का बिल्ड कॉलेज है। ओ अच्छा, लाइटिंग नहीं पड़ा इधर से था। तो हम आ चुके हैं क्लास करके, अब जाते हैं कैंटीन और देखते हैं, कुछ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे। तो चलते हैं कैंटीन गाइस। कैंटीन में बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा, तो हम घर ही जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए हम बाहर निकल गए, सोचे घर जाके ही खाएंगे। तो चलते हैं घर। और ये कॉलेज जितना बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज मेरे लिए, हम तो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं यहाँ एडमिशन लेके, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत एक ड्रीम होता है। तो आई फील रियली ग्रेटफुल गाइस। बच्चा वाला नेचर ना मेरे अंदर अभी भी जिंदा है यार, पूरा कम्प्लीटली। घर आके वो बड़ा खुशी होता है, अब जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे, लस्सी उसी पियेंगे। और देखो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज लोग से मिलो, नहीं दिख रहा क्योंकि घर गए फाइनली। और आते के साथ सबसे पहले हम जाते हैं फ्रिज के पास, फ्रिज गर्मियों का देवता है गाइस। और ये हम लोग का देवता रूम है, देवता रूम जानते हैं क्या? कि कोई आई थिंक बहुत कोई जानते होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल जैसे झारखंड में तो कॉमन है देवता रूम, जिस मतलब जिसमें सारा देवता रहते हैं हम लोग का, जिसका पूजा करते हैं हम लोग। तो भी जाते हैं लस्सी बनाएंगे पियेंगे, मस्त मजा आएगा। और उसके बाद फिर अपनी क्यूटीज को दिखाना भूल गए गाइस, क्योंकि उधर मतलब जानवर हम लोग का दूध दे रही थी उधर, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि सबको ही था तो ऑकवर्ड लग रहा था। अब जाते हैं, इतना फेस सामने को आगे घुस गए, सॉरी गाइस डर मत जाना। जाते हैं गाइस, पानी में मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, बाय।
व्हाट इज दिस एंगल आई डोंट नो, पर बातें करना मेरा फेवरेट चीज़ है और इतना दिन से बात नहीं की तो थोड़ा हमको डिसकनेक्टेड तो फील हो रहा होगा, तो सॉरी गाइज अब व्लॉग डेली आएंगे और अभी भी एंगल एकदम कैमरा घुस के डर मत जाना गाइज और हम कॉलेज बहुत मुश्किल से जाते हैं, मेरे घर में काम चल रहा है तो सब काम कर रहे हैं, इधर से उधर पास हो रहे हैं तो हमको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो जाता है, पर कोई बात नहीं, वी विल डू इट, लेट्स डू इट हमको सब बार बार कोई कट कर दे रहा है गाइज इधर उधर पार होके क्योंकि एकदम जस्ट खिड़की के पास है, तो ये देवता रूम हम लोग का सबसे पुराना घर का रूम है और सबसे प्रीसियस रूम क्योंकि यहाँ पे हम लोग का देवता रहते हैं इधर उधर। और क्या बोल रहे थे हम, आप लोग बोले कि अगर ऐसी इतना प्रॉब्लम होता है तो कॉलेज जाती क्यों हो, तो गाइज अटेंडेंस के लिए जाते हैं, नॉलेज के लिए जाते हैं जो हर कोई जाता है, और हम भाषण नहीं झाड़ना चाहते गाइज, आप लोग को बोर नहीं करना चाहते और बैग भी नहीं उतारे, देखो कितना संस्कार है आप लोग से, एकदम वन टू वन कॉन्वर्सेशन करने में बड़ा मज़ा आता है, घर आके ऐसा जो अपना पूरा बात करने में मज़ा आता है हमको, अच्छा हम अलग ही मूड में है गाइज। तो ब्लॉग कंटिन्यू करना मज़ा आएगा और पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे अभी दोबारा, पर मिलेंगे जल्दी, अभी जाते हैं आराम करते हैं, काम भी करना है, झाड़ू पोछा भी करना है गाइज क्योंकि हम लेट उठे हैं, तो मेरा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, गंद मच गया एकदम, तो जाएंगे उसको साफ करने, बाय गाइस। नहा धो के आ चुके हैं गाइस और बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा है, मज़ा आ रहा है हमको, आज हमको क्या हो गया, अलग ही मूड में एकदम, अलग ही स्वैग में, आई एम इन वाइब गाइस, आई एम इन वाइब। तो नहा धो के हो तो गए हैं साफ सुथरा, लेकिन अब थोड़ा घर को भी कर ले क्योंकि बेड एकदम हालत खराब है, खराब, तो करते। और एक चीज़ दिखाना है और बहुत कुछ बताना है आज हमको ना व्लॉग में, बहुत कुछ बताना है जो हम ऐसे काफ़ी टाइम से सोचे हुए थे, सोचे थे 1K के बाद ही करेंगे, लेट्स होप कि इस व्लॉग में करेंगे या फिर 1K वाले स्पेशल वीडियो पे, आई डोंट नो, पर व्लॉग को देखना, देखते आज क्या क्या होता है, आई एम इन वाइब गाइस, क्यों देखना आपको, क्योंकि आई एम इन वाइब। तो यस काम कर लेते हैं पहले थोड़ा, नहीं तो हो जाएगा। किचन गाइस क्या है, क्या है, नहीं गिर जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं करना, दिवाली वाले व्लॉग जैसा, क्या दिखा रहे, किसको नहीं पता होगा लस्सी बनाते कैसे, बाय गाइस। सो सो लॉन्ग, तो हम जा रहे हैं ट्यूशन, इसलिए टोटो ही हमारा सच्चा साथी है दोस्तों, टोटो ही हर बार मिलता है, उसी से जाते हैं, तो चलते हैं ट्यूशन, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here. अपने ट्यूशन, और आज मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे, क्या बात कर रहे हैं लोग। Here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. लड़कियाँ. दे हमारे सुंदर सुंदर सर सर क्या ट्यूशन में पढ़ रहे थे और बारिश होने लगा, इसको भींगने का शौक है और सब हम लोग सब समोसा के लिए चिल्ला रहे हैं, सर समोसा चाहिए, समोसा। अभी कम हो गया, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, दुश्मनी है क्या बारिश को? No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Finally, बड़े मुश्किलों के बाद हम घर पहुंचे गाइस, इतना ज्यादा दिक्कत हुआ घर आने में, बारिश, और अब हम जो क्लिप लिए थे वो देखेंगे, मतलब बारिश नहीं बोलेंगे उसको, तूफान, तो अचानक से इतना मौसम कैसे चेंज हो गया भाई, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इतना ज़्यादा मतलब एकदम रास्ते में हम आते देख रहे थे एकदम पेड़ वेड़ गिर गया, मतलब एकदम डेंजर वाला जो तूफान नहीं होता, वो हज़ारीबाग का मौसम का कोई गारंटी नहीं, कभी भी धूप बारिश कभी भी हो सकता है। तो आ गए घर फाइनली, सेफली आ गए, तो हम बहुत खुश हैं, और पता है रास्ते में एक हम लोग ऐसा एक्सीडेंट होते नहीं, एक्सीडेंट के बाद एक तरफ से एक इंसान का ऐसा सर फट गया था और इतना ब्लीडिंग हो रहा था, उनको इतना ब्लीडिंग हो रहा था, तो हम लोग के ऑटो में बैठ के गए थे, उसके बाद फिर सदर हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर हमको
ऑटो वाले छोड़े यहाँ पे, उनको बहुत ख़राब लगा। और जो मेरे साथ अंकल बैठे तो इतने स्वीट थे, उनका भी हेल्प किया। और कोइंसिडेंसली वो उसके पड़ोसी निकल गए, तो कुछ लोग ना बहुत अच्छे और क्या बोले दिलदार होते हैं, काइंड होता है नेचर, तो ऐसे लोगों से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमसे भी इतना अच्छे से बात किए ना, तो एक होता है ना ऐसे कहीं बस बस में कोई मिल जाता है या टोटो में मिल जाता है तो ऐसा एक वाइब सा हो जाता है। तो सोचो इतना एजड हो के भी हमको इतने अच्छे से बात किए ना, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा बहुत सारा कुछ बोल रहे थे तो उनको वाइब बन गया, मज़ा आया। ऐसा ऐसे लोगों से मिलकर हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो एकदम पॉजिटिव और एकदम फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। फाइनली घर आ गए गाइस। बेसिकली वीडियो मेरा था, अगर आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक स्टूडेंट लाइफ पे ही था हजारीबाग का, कैसे कोलंबस में क्लासेस होते हैं, कैसे ट्यूशन जाते हैं और कैसे हजारीबाग में स्ट्रगल करते हैं हम गाइस। तो ऑल अबाउट यही था व्लॉग, एक बस एक रैंडम सा व्लॉग था, जस्ट वॉन्टेड टू कनेक्ट विथ यू गाइज। सो अच्छा लगा, हमको भी मज़ा आता है ऐसे एकदम पूरा अपना शेयर करके। ऐसा एक फ्रेंड नहीं होता ऐसे किसी को बता के एकदम ऐसा रिलीफ सा लगता है, वैसा होता है मेरे साथ व्लॉग करा के। पता है हम ये चीज़ न्यूली डिस्कवर की, हम इतना ज़्यादा अटैच होते हैं अपने व्लॉग से, मतलब पूरा हम अपना मेहनत खून पसीना लगा के एक व्लॉग बनाते हैं, तो जाहिर सा बात है बहुत ज़्यादा लगा होता है। एक एक व्लॉग इतना मेहनत से बनाते हैं ना कि वो हम ही जानते हैं, और बहुत मेहनत से एडिट करते हैं। अभी इसको एडिट करेंगे रात में और सुबह जल्दी पोस्ट करेंगे ताकि ढेर सारे लोग इसको देख सकें। और आपके जो भी क्वेरीज है, मतलब ऐसा वीडियो ना लोग देखना पसंद करते हैं, इससे पहले भी मेरा एक वीडियो गया था स्टूडेंट लाइफ के पे ही, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब लोग ज़्यादा पसंद किए थे, तो हम सोचे कि क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए, लोगों का हेल्प किया जाए थोड़ा। मतलब हजारीबाग में जो नया स्टूडेंट आते हैं उनको ऐसा थोड़ा होता है ना कि जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो आई थिंक आई होप कि आपको मेरे वीडियो से हेल्प हो। और अगर कुछ ऐसा बहुत सारा मन में डाउट होता है, आपको कहीं भी पढ़ने आ रहे हो या कहीं से भी पढ़ने आ रहे हो हजारीबाग, तो बहुत सारा डाउट होता है, तो अगर मेरे वीडियो से ये सब क्लियर नहीं हो पाता सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, कमेंट कर दो या तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो पर काम के लिए, और जो भी आपका क्वेरीज हो आप मैसेज कर दो या फिर हमको कमेंट, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, हेल्प हो कि कैसे क्लासेस होते हैं, और वो वीडियो भी देख लेना तो आपको ऐसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा जो आप लोग जानना चाहते हो। और नहीं मिल रहा है तो जस्ट कमेंट, हम बता ही दिए कमेंट करना। तो यस गाइज, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आए और बस एक आपके चेहरे पर स्माइल आया हो, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। हमको बड़ा अच्छा लगता है मेरी इस वजह से लोग ऐसे खुश हो, हमको हंसता हो, खुश लोगों को खुश करना पसंद है, बताओ अलग अलग से शौक है। मैं तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, अभी तक देख रहे हो तो आई लव यू, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इतना बकबक कर लेते हैं हम, खुद ही समझ में आता कि बोले ना मज़ा आता है हमको बात करने में, ऐसे कनेक्टेड रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आप मेरा व्लॉग पूरा देखते हो तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।